हमारा नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड जो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या है, डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन रजिस्टर्स, मतलब रजिस्टर्स के अंदर ही हमारे डेटा को क्या होता है, ट्रांसफर, डेटा हमारा ट्रांसफर होता है रजिस्टर्स के अंदर, जिसमें से हमारा क्या होता है, एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। मतलब सोर्स कहाँ है, जहाँ से हमको डेटा को लेना है, और डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारे डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल मूव ए कॉमा बी, इसका मतलब बी रजिस्टर के अंदर डेटा जो है उसको मुझे किस में करना है, एक्यूमुलेटर के। माना कि ये मेरा बी रजिस्टर है और बी रजिस्टर के अंदर मेरा डेटा क्या है, 66। इस 66 को किसके अंदर डालना है मुझे, एक्यूमुलेटर। इसमें जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हुआ है किस किस के, रजिस्टर रजिस्टर के बीच में। ये रजिस्टर भी हो सकते हैं, रजिस्टर पेयर भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं मूव कर दिया रजिस्टर पेयर से दूसरे रजिस्टर पेयर में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर पेयर से दूसरे रजिस्टर पेयर में कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सिंगल रजिस्टर से दूसरे सिंगल रजिस्टर के अंदर भी मूव करा सकते हैं। तो हमारा सोर्स कौन सा होता है, जहाँ से हमको डेटा को कॉपी करना है, डेस्टिनेशन जिस जगह पे कॉपी करना है, और इसमें क्या होता है, जो सोर्स का कंटेंट है, सोर्स का कंटेंट हमारा चेंज नहीं होता। सोर्स के अंदर हमारा अगर डेटा जो पहले से था वही रहेगा, पर अगर हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पर पहले अगर कोई डेटा है तो वो ओवरराइट हो जाएगा किससे, नए वाले डेटा से। माना कि पहले मेरा एक्यूमुलेटर में 55 एड्रेस था, 55 डेटा था, और वो 55 डेटा अब किससे रिप्लेस हो गया, 66 से। तो इसका कंटेंट तो हमारा चेंज हो जाता है, पर बी रजिस्टर के अंदर अभी भी हमारा वही कंटेंट रहेगा जो उसमें पहले था। हमारा फिफ्थ है एड्रेसिंग मोड, वो है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड नीदर द डेटा नॉर द एड्रेस ऑफ डेटा इज प्रेजेंट, बट सम काइंड ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ऑप कोड ओनली। मतलब कि हमारे पास ना तो डेटा प्रेजेंट है, ना ही उसका एड्रेस प्रेजेंट है, बस एक सम काइंड ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, और वो किसके अंदर, ऑप कोड ओनली। इन दिस अदर वर्ड वो कहें, नो नीड ऑफ ऑपरेंड, हमें ऑपरेंड की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप कोड के अंदर हमारा क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल सी एम ए, देखो इसमें ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, ऑप कोड। तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उसको हमें करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। जैसे मेरा, मैंने माना कि प्रीवियस में मैंने डेटा लिया था 66, एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा प्रेजेंट है वो क्या है, 66, तो 66 का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 66 क्या हो गया मेरा, 0110 0110। तो ये हो गया मेरा 66, तो 66 के डेटा को मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरा 1001 1001। तो हमारा इस CMA से क्या है, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ये विद इन रजिस्टर होता है, इसमें दूसरे रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती है, सेम रजिस्टर के अंदर ही इसमें हमारा ऑपरेशन हो जाता है। और हम दूसरा भी कह सकते हैं, जैसे RAL, तो इसमें RAL, तो इसमें क्या है, रोटेट द एक्यूमुलेटर डेटा विद द लेफ्ट, अगर जो हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उसको क्या करना है, लेफ्ट में रोटेट करना है। इसका मतलब जीरो आ जाएगी अब हमारी पहले, तो 0011 0011 0, तो ये हमने आगे रोटेट कर दिया है, तो अब हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर नया डेटा हो जाएगा ये। तो इस वाले में हमें ना तो डेटा की नीड पड़ी, ना एड्रेस की नीड पड़ी, सेम रजिस्टर के अंदर हमारी परफॉर्म हो गया ऑपरेशन, और ये वाला होता है हमारा इंडायरेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।